अधिवक्ता ने महिला शिक्षिका को मारी गोली, बाद में खुद को भी मार ली गोली। इटावा जनपद में बीते दिन एक महिला शिक्षिका को जान से मारने की नीयत से गोली मारकर घायल किया गया। वहीं पता चलने पर एक अधिवक्ता ने खुद को गोली मारकर अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली। आपको बता दें, बसरियार थाना क्षेत्र के ग्राम जोगरामऊ के उच्च प्राथमिक विद्यालय में कार्यरत महिला प्रधान अध्यापिका अभिलाषा यादव को एक अधिवक्ता ने महिला शिक्षिका को बीच रास्ते में गोलियों से भून दिया और खुद को गोली मारकर अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली। वहीं घायल अवस्था में महिला को एम्बुलेंस की मदद से इटावा दतौली के पास स्थित अस्पताल में भर्ती कराया गया। डॉक्टर मनोज यादव ने घायल महिला प्रधान अध्यापिका को 6 गोलियां लगी होने की बात बताई है। वहीं महिला के दोनों हाथ, सीने, गर्दन व पीठ के ऊपरी हिस्से में गोलियां मारी गई हैं। महिला को गंभीर हालत में इटावा के निजी अस्पताल जेके हॉस्पिटल में इलाज चल रहा है। शिक्षिका की हालत नाजुक बनी हुई है। जानकारी के अनुसार महिला जैसे ही अस्पताल में भर्ती हुई, उसके 15 मिनट बाद अधिवक्ता ने खुद को गोली मारकर अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली। मृतक शिक्षा मित्र को मूंगापुर में कार्यरत बताया जा रहा है। पूरे मामले में पुलिस व फॉरेंसिक टीम जांच में जुटी हुई है। ये मेरी बड़ी बहन है, ये शिक्षिका है, हेडमास्टर नहीं है, जोगरामऊ में पोस्टिंग है इनकी। ये बसरे किसी ड्यूटी वगैरह बता रही गई थी, तो वहाँ से जब लौट रही थी तो वहाँ इन्हें लिफ्ट या दी या क्या दिया जैसा, अभी उनसे बात नहीं हो पा रही। उनके 6 गोलियाँ लगी हैं। एक सुधीर नाम का लड़का है, सुधीर यादव, जो LIC अभिनयपुरा का है, अभिनयपुरा का, जिसने 6 गोलियाँ मारी अपनी रिवॉल्वर से, लाइसेंसी रिवॉल्वर से, और वहीं मरते हुए हालत में छोड़ता हुआ चला गया। उसने सोचा मर गई हैं, तो अभी वहाँ के जो राहगीर थे और भी मिलने वाले हमारे, वो उठा लाए एम्बुलेंस से आई हैं। तो यहाँ पर अभी मनोज यादव के यहाँ इलाज चल रहा है। डॉक्टर मनोज ने, उन्होंने तस्दीक किया कि 6 गोलियाँ लगी हैं। क्या रीज़न क्या निकल के आ रहा है साहब? अभी कोई रीज़न बता नहीं सकते हम कि आखिर क्या वजह रही। इस सरकार में बोलता हूँ, सुरक्षित नहीं है शिक्षिकाएं, घर से नहीं निकल पा रही हैं, निकलते तो 6-6 गोले ऐसे सौदे मार रहे हैं। क्या स्थिति का, लूटपाट करना चाह रहा था कि जान से मारना चाह रहा था क्या यार? लेकिन उसको इन्होंने पहचान लिया और उन्होंने बताया, जानने वाला था, बिल्कुल उन्होंने पहचाना, उसने बताया, उन्होंने पहचान के बताया, मुझे फ़ोन किया, उनका जो फ़ोन है, इस फ़ोन में रिकॉर्डिंग भी है। उन्होंने कहा मैं आ मम्मी की आवाज़ आ रही, जिस तरह से करा रही थी वो, उन्होंने कहा कि ऐसे ऐसे इसने फलां आदमी ने मेरी गोली मारी है, 6 गोलियां मारी साहब। नहीं कोई रंजिश नहीं, हम तो जानते तक नहीं। हालांकि जब भी मुझे कचहरी मिलता था तो बड़ा उससे बात करता था। तो क्या वजह क्या रहा इसकी भैया, हम बता नहीं सकते। मैं बता बार बार आपसे कह रहा हूँ कि जब वो ठीक होंगी वही बता पाएंगे वजह क्या है। मैं तो बस इस स्थिति में नहीं हूँ कि मैं आपको पूरा बता पाऊँ कि क्या रहा होगा। क्या बयान दे रहे हैं? कंडीशन बहुत खराब है, सीरियस बहुत है। ये संतोषपुर घाट की बताया है, जी सरकारी हेडमास्टर नहीं है। मामला तो गोली तो लगी है और टोटल इसको 6 फायर लगे हैं। कितने फायर हुए ये तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन उसको 6 फायर लगे हैं और जो दोनों हाथों में, छाती में, गर्दन में और पीठ के ऊपरी भाग में लगे हैं। क्या स्थिति है? स्थिति गंभीर है और चूँकि अभी मरीज आया, उसका पूरी जांच चल रही है और चेकअप पूरा हो जाएगा तो हो सकता है ऑपरेशन करना पड़े। तो ये सबसे पहले हम लोगों को एक सूचना मिली कि एक महिला को गोली मारी गई है, जो प्राइवेट हॉस्पिटल में एडमिट कराई गई है। उसी के थोड़ी देर बाद एक सूचना मिली कि एक एडवोकेट का जो है बॉडी मिली हुई है मैगजीन क्षेत्र में। दोनों सूचनाएँ मिलने के बाद हम लोग तुरंत घटनास्थल पर गए। ये तथ्य निकल के आया कि पहले एडवोकेट द्वारा महिला को गोली मारी गई है, उसके बाद उनके द्वारा हत्या कर ली गई है। इसकी पूरी विस्तृत जाँच कराई जा रही है। मौके पर मैं, DM साहब, हमारी फॉरेंसिक टीम, SPCT और यहाँ हॉस्पिटल में जहाँ महिला एडमिट हुई थी, यहाँ COCT, थाना फ्रेंड्स कॉलोनी और SPRA मौके पर आ गए थे। इसकी पूरी विस्तृत जांच कराई जा रही है। ये तथ्य निकल के आया है कि जो एडवोकेट सुसाइड किए हैं, ये दोनों लोग एक दूसरे से पूछ से पढ़ते थे और इसके अलावा वो इंश्योरेंस का भी काम करते थे। इसकी विस्तृत जांच कराई जा रही है, जो भी तथ्य निकल के आएगा उसी हिसाब से हम लोग उसमें कार्रवाई करेंगे। और भी लोग गोली महिला की लगी है, अगर अभी कितनी गोली लगी है ये तो जाँच के बाद ही निकल करके आएगा। जाँच में तथ्य निकल के आएगा कि कितनी गोली मारी गई है। जो मौके पे रिवॉल्वर मिला है उसमें 5 का कारतूस मिला है और 1 जिंदा कारतूस मिला है। इससे लग रहा है कि 5 गोली का उपयोग किया गया है, जिसमें एक खुद एडवोकेट ने खुद को मारी है। उसके अलावा कितनी गोली लगी हुई तो बाद में ये पूरी जांच के बाद ही क्लियर होगा। अभी तो ये निकल के आ रहा है कि दोनों एक दूसरे से परिचित थे और जो घटनास्थल वहाँ मौके पर आप देखेंगे, उस सड़क से करीब 50 मीटर दूर हट के है, वहाँ महिला का चप्पल मिला हुआ है, कुछ ब्लड की बूंदें मिली हुई हैं। ये दोनों घटनाएं एक दूसरे से कनेक्टेड है
इसकी हम लोग विस्तृत जांच भी कर रहे हैं और जांच कराएंगे।